हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। रात के 11 बज रहे हैं। कल सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग करीब 5 या 6 बजे लखनऊ निकलना है, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। कपड़े की पैकिंग हो रही है, कल सुबह लखनऊ निकलना है और हम चलते हैं सोने। और कल सुबह मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए शुभरात्रि, गुड नाइट। तो फाइनली लोग रेडी हो चुके हैं, सामान जो है रख लिया गया है गाड़ी में और वापस निकल रहे हैं। दोस्तों, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से और अभी मक्की इंतजार कर रहा है सहरोज में। फिलहाल अभी हम लोग चलेंगे सहरोज, सहरोज से मक्की को लेंगे, इसके बाद फिर निकलेंगे लखनऊ के लिए। बने रहिए। ये पुल काफ़ी तेज़ी से बन रहा था, लेकिन फ़िलहाल कुछ विवाद के कारण ये काम रुक गया है। बन जाता तो ये कुछ सड़कें इधर बाएं साइड भी इतना चौड़ा हो, इतनी चौड़ी सड़क बन गई होती, लेकिन अब काम रुकने के कारण अब सिर्फ ये एक लेन ही रह गया है। एक लेन जो उधर बनना था, उस साइड जो बनना था, वो नहीं बन पाया है। शायद ज़मीन में मुआवजे को लेकर के कुछ विवाद है। स्थानीय लोगों की मांग थी कि उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, ऐसा ही कुछ था प्रकरण। इसको बनाने वाली जो कंपनी थी, जो आप देख सकते हैं इधर प्लांट था, इस साइड में दिख रहा होगा, इस प्लांट को उजाड़ करके लगभग यहां से सारी मशीनें जा चुकी हैं। तो यानी यह काम अब बंद के ही कगार पर है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग सहरोज पहुँच गए हैं और मक्की आ रहा है, बात हुई अभी उससे, रास्ते में है तो बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा और हम लोग यहाँ से निकलेंगे आजमगढ़ होते हुए। आजमगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो सटियाओं से है, वहाँ सटियाओं से हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे और इसके बाद से फिर सीधे हम लोग लखनऊ चलेंगे। तो सुबह काम है तो आज स्टे करेंगे हम लोग लखनऊ में, देन उसके बाद क्या प्लान बनता है, वापसी होती है या कहीं हम लोग जाते हैं, अब ये लखनऊ पहुंचने के बाद ही देखा जाएगा। सहरोज का रास्ता जाता है अभी, ये नीचे ये रोड थोड़ा ऊंचाई पे बन गया है, गांव का रोड नीचे हो जाने के कारण कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इसी रास्ते से अभी मक्की आएगा और हम लोगों को इधर जाना है सीधे। ये मक्की आ गया है, स्वागत है। तो अभी हम लोग सकियाव पहुंचाए हैं और अब यहाँ गया है मक्की कुछ खाने पीने का आइटम लेने, क्योंकि यहाँ से जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाने के बाद फिर कुछ मिलेगा नहीं। बीच बीच में मिलता है तो काफ़ी महंगा मिलता है और बहुत ही क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो फिलहाल हम लोग ले लेते हैं कुछ खाने पीने का अपना आइटम, इसके बाद फिर हम लोग सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं। तो सामने ही दिख रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसके बाद फिर हम लोग आपको शाम के 5:45 हो रहे हैं, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चढ़ने के बाद करीब 2-2.5 घंटे लगेंगे हम लोग को, 2.5 से 3 घंटा लगेगा लखनऊ जाने में। तो मिलते हैं आपसे सामने, आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग पूर्वांचल पर चढ़ चुके हैं, अभी हम लोग पूर्वांचल पर एंटर कर चुके हैं। अभी अभी देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है, मौसम भी ठंडा हो गया पहले से काफ़ी ज़्यादा। शाम के 6 बज रहे हैं, आपको ड्राइवर सीट पे मिल जाएगा, तो इसलिए सावधानी बरतें। ये 244 किलोमीटर पे है, ये स्पीड हो सकता है बता दें 60 किलोमीटर की स्पीड है हमारी गाड़ी की, तो 100 से ऊपर स्पीड नहीं रहा।
रखना है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, ये नियम है। शाम के 6:15 हो रहे हैं और अभी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सनसेट हो रहा है। सॉरी 210 किलोमीटर और अभी शेष है लखनऊ, तो हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हैं और उम्मीद है कि 6:15 बज रहे हैं, अभी 8 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। दोस्तों फिलहाल हम लोग 174 किलोमीटर पे हैं, यानी यहाँ से लखनऊ 174 किलोमीटर और दूर है। हम लोग अभी खड़े थे, कुछ गाड़ी में आवाज़ आ रही थी, उसी को चेक करने के लिए अभी हम लोग गाड़ी साइड में किए हैं और उसका मूत्र विसर्जन वगैरह कर लिया गया है। तो अब फिलहाल फिर से निकलते हैं, 174 किलोमीटर जाना है और टाइम हो गया 6:42, यानी 7:45 हो गया। हम लोग का टारगेट था 8 बजे पहुंचने का, जो कि संभव नहीं लग रहा है, करीब 8:30 को जाएंगे। तो ठीक है फिलहाल निकलते हैं। देखिए दोस्तों, ये तीसरा स्पीडोमीटर मिला हम लोग को, इसमें 100 से नीचे की स्पीड होनी चाहिए। देखिए दिखा दिया सामने वाले का 69 और अपना 80-81 मॉडरेट लिखा था। दोस्तों ये गदबेला का समय है, 150 किलोमीटर और दूर है लखनऊ और कुछ बादल भी नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रात में कुछ छिटाकसी भी हो सकती है। लगवा देना है सामने, 100 kg बनने का वाई पार्टी नहीं है, जब भी गाड़ी वापस करते बस महीने में। अच्छा, इसको कब कब लगाना है? महीने में वॉश कराते हैं ना गाड़ी, हाँ। तो शैम्पू मारता है, हाँ। शैम्पू की जगह पे इसको छिड़वा के सूखा कपड़ा लगता है। तो इससे क्या होगा, सामने से जो रोशनी आती है वो नहीं पड़ेगी आँख पे? जब शीशा गंदा रहेगा तभी फोक्स बनेगा, हाँ। शीशा गंदा नहीं रहेगा, शीशा गंदा नहीं रहेगा इसको उसमें डाल सकते हैं क्या, जो पानी छिड़कने वाला होता है? वाइपर चल रहा है ना, आप इसको छिड़क के पानी के साथ वाइपर मार दीजिए, बस कुछ नहीं करना। और इस पर लगाना है बॉडी पे, लगवा दीजिए शैम्पू की जगह बस सूखा कपड़ा लगवा दीजिए। हम लोग ठगाए नहीं ना जी? दोस्तों अभी 8:05 8:05 हो रहे हैं और अभी हम लोग हैं 62 किलोमीटर पे, यानी यहाँ से लखनऊ की दूरी अभी करीब 62 किलोमीटर है और ऐसा लग रहा है कि अभी आधा घंटा और लग सकता है। मक्की शीशे की सफाई कर रहे हैं, शीशा काफ़ी गंदा हो गया था तो मक्की उसको साफ कर रहा है और करीब खाते पीते हम लोग। देखिए नया प्रोडक्ट मिला है, हम लोग पेट्रोल टंकी पे रुके थे तो वहाँ से एक ये प्रोडक्ट मिला है, उसका भी इस्तेमाल इसमें कर लिया जा रहा है। काफी अच्छा साफ किया, सफाई अच्छा किया है, हाँ। हम लोग हैदरगढ़ पहुंच गए हैं, हैदरगढ़ में CNG डलवा रहे हैं। हैदरगढ़ से करीब 35 किलोमीटर दूर है अभी लखनऊ, तो हम लोग यहाँ से CNG डलवा करके और फिर निकलते हैं लखनऊ की तरफ। काफ़ी लेट हो चुका है, अंधेरा भी हो गया है, करीब 8:30 बज चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं, जो लास्ट टोल प्लाजा है हम लोग उसी टोल प्लाजा पर खड़े हैं। काफ़ी समय लग गया, हम लोग करीब 5 बजे घर से निकले हैं और अभी रात के 8:45 हो रहे हैं, 8:45 हो रहे हैं और करीब हम लोग को 4 घंटे के करीब लग गया आने में। टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं, इसके बाद चलते हैं एक रूम पे, होटल लेंगे आज
होटल लेकर के आज रुकेंगे रात में, फिर कल जो मेरा ज़रूरी काम है उस काम को देख करके फिर डिसाइड करेंगे कि हम लोग कहाँ निकलते हैं। एक्सप्रेसवे अब यहीं समाप्त होता है, 1 किलोमीटर आगे से हम लोग लखनऊ के लिए कट जाएंगे। तो फाइनली हम लोग एक्सप्रेसवे छोड़ दिए। सामने इंडिगो की बिल्डिंग दिख रही है जहाँ से हम लोग को टर्न लेना है। तो ये वृंदावन योजना का एरिया है जहाँ पे इन्वेस्टर समिट हुआ था, यही पास में ही बगल वाले ग्राउंड में ही हुआ था। मतलब हम लोग PGI आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं राइट साइड में PGI हॉस्पिटल है और यहीं से हम लोग को यू टर्न लेना है। तो ये सामने देख रहे हैं ये प्रवेश चिल्का, ये PGI है, PGI का गेट है, इसके अंदर PGI हॉस्पिटल है, इसकी पूरी कैंपस है। फाइनली हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं, चल रहे हैं हम लोग खाना खाने। यहाँ हम लोग हमेशा खाना खाते हैं, वही चल रहा है। तो अभी फिलहाल ऑर्डर कर दिया गया है, बोलो ना आने का बस इंतजार कर रहे हैं, खा करके चला जाएगा। 10:53 हो चुके हैं, हम लोग अपने होटल पहुंच चुके हैं, काफ़ी थकावट हो गई है, चलते हैं सोने, मिलते हैं कल सुबह।